बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैर से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। आज हम गए हुए हैं अपने दोस्त के डेयरी फार्म में, और तकरीबन छोटा सा बच्चा 13 साल का, और अकेला ही सारा फार्म उसने संभाला हुआ है। एक यानी एक दिन का 16,000 का दूध और 6,000 खर्चा, 10,000 बच जाता है। दिखाते हैं आपसे और उनसे इंटरव्यू लेते हैं। और हमारी छोटी सी दरख्वास्त होती है कि वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये वो डेयरी फार्म है, माशाल्लाह ये गायें हैं, इसमें बहुत ही फ़ायदा है। और जो ये काम करते हैं माशाल्लाह बहुत ही बचा है। इसमें तकरीबन एक दिन का दूध 16,000 का बनता है, 10,000 बचत और 10,000 बचत और 6,000 खर्चा है तकरीबन। ये उनका कहना है, उनसे पूछते हैं अभी जाके। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी, ये वो लड़का है जो फार्म इसने अकेले ने संभाला हुआ है। पूछते हैं इसे, किन्ने का दूध एक टाइम का बेचते हो? चार माह। अच्छा, एक टाइम का कितने पैसे बढ़ते ने? 16,000। ते यानी खर्चा किन्ना है? यानी 6,000 खर्चा तो 10,000 बचा दे। अच्छा, ते चार एच की पाते हो इन्हों? अच्छा, पट्ठे ते चोकर वगैरह? बकरियां 4 साल हो गए ना, सारे काम कर दे करते पे दे, इधर थोड़े देने का काम नहीं कर सकता है। इधर ऐसे ये खुराक चाहिए होनी, जानवरों की खुला चारा चाहिए होना, अगर बड़ी जमीन है तो और सोने इधर डॉक्टर होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और सर्दियाँ बना दी हैं तो खीरे दी काफ़ी डिमांड है। अच्छा, ये किस चीज वास्ते बनाए हो इन्हें? ये तो चवाई होनी है। चवाई मशीन नाल करते हो? नहीं नहीं, मशीन वो आंदी है। ये बदबू आंदी है, मशीन है जो। अच्छा, ते काम कल्ला करता है तू? नहीं। एक ही चीज है सर जी? ए वंडा है। अच्छा, असली तो दूसरा गायें वाला पा रहे हैं, लेकिन फैट वाला पाना चाहिए। अच्छा, ते ए छाले नहीं बर्दाश्त कर सकते है। माशाल्लाह डेयरी फार्म है ये वाला, इसका नाम है माशाल्लाह डेयरी फार्म। जिस भाई को दूध चाहिए हो वो रब्ता कर सकता है। गड़ा मोड़ चक नंबर 94 माशाल्लाह। और ये वो जानवर है माशाल्लाह। और शाम टाइम उधर चले जाते हैं, अभी थोड़ी गर्मी है ना तो इसलिए चारा भी खा रहे हैं। और ये पंखे लगाए हुए हैं हवा वाले, ये देखो आपको दिखाते हैं, ये हवा वाले पंखे हैं। ये ऑस्ट्रेलियन गाय हैं, इनको ये पंखे ज़रूर चाहिए होते हैं, क्योंकि ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इधर चुआई करते हैं, इसमें वंडा मुंडा डाल के ना, तो फिर जानवर खड़े हो जाते हैं इधर ही। ये देखो माहौल बहुत ही खूबसूरत है। ये देखो क्या खूबसूरत निज़ाम है। शाम को इधर एंजॉय करती हैं, घूमती हैं। ये वो लड़का है जिसे हेल्पर रखा हुआ है, उस लड़के ने, छोटे से लड़के ने। ये देखो कबूतर भी रखे हुए हैं फार्म पे, फारे टाइम इससे खेल खूल लगते हैं। ये वंडा पड़ा है,
अच्छा, जो दूध होता है वो घर में देते हो या दुकानों पे बेचते हो? एक मामू की दुकान है, वहाँ देते हैं। अच्छा। और चिल्लर पे डालते हैं। अच्छा। घर में। अच्छा। ठीक, काटा जाता है। ये बैड वाला मंडा है जी, बचनों में। बच छोटे जानवरों के लिए। ये पीछे से मैंने कहा बना रहे हैं वीडियो, और फार्म जो बोर्ड है उसकी भी बनाते हैं, दिखाते हैं आपको। माशाल्लाह डेयरी फार्म। माशाल्लाह डेयरी फार्म।